For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. Cigarette smoking is injurious to health. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जूरी मिस्टर आकाश राणा के खिलाफ लगे सभी आरोपों को सही ठहराती है। मैं कोर्ट में सिर्फ अपनी सफाई। उनकी ब्रिटिश नागरिक मिस निकिता मल्होत्रा से हिंदू मैरिज लॉ के तहत हुई शादी को इंग्लैंड का कानून इलीगल करार देता है। हमारी शादी इलीगल नहीं। मिस्टर आकाश राणा के तमाम एसेट्स और बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन मेरा वीसा वैलिड है और मेरी शादी ब्रिटिश सिटीजन से हुई है। ये ज्यूरी यूके बॉर्डर एजेंसी की पूरी जांच और दलील सुनने के बाद मिस्टर आकाश राणा को फौरन इंडिया डिपोर्ट करने का फैसला सुनाती है। हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। और हमेशा के लिए उनके यूके वापस आने पर रोक लगाती है। We are not criminals. मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। Thank you.
कैसे हो? जिंदा हूं सर, लेकिन आपके जाने के बाद हमको बड़े बुरे दिन देखने पड़े। कुछ खबर मिली? बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द खबर मिलेगी। टैक्सी ये कैसा करा जी? चोरी की गाड़ियों का गराज सर, यहाँ रिपेयर नहीं डिसअपीयर होने आती है। लंदन के पोस्ट लोकैलिटी से गाड़ी चुराना, पार्ट्स निकाल के ग्रे मार्केट में बेचना, ये सब 2 घंटे में। ओए जोजो, आदिल वेट करो एक मिनट। ये कौन है? ये मेरे साथ है, हमारा माल आ गया। पहले पैसे दिखाओ। पहले माल, पहले पैसे दिखाओ। पहले माल दिखाओ, पहले पैसे, पहले माल दिखाओ। ये जानते हो कितना बारूद है मेरे भाई? इसे आग लग गई तो लंदन राख हो जाएगा। तो क्या सोचा है? जल्द जान जाओ। पुलिस भागो! ये भी पुलिस वाला है? ये पुलिस वाला नहीं है। Get wet.
We're closed. Steve, there with me. कुछ भी किया आपने हमारे लिए किया, अब हमारी बारी है। आजकल इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। उम्मीद है कि कल तक हम हमारे हिस्से की इज्जत छीन चुके होंगे। Humorous and has a strong sense of public duty. That, my friends, is Arjun Khanna. Arjun, I personally feel that you've decided to retire too early. It is truly a loss for us, Arjun. You will be sorely missed by us and our community. To Arjun Khanna, policeman extraordinaire. Thank you. Thank you, Billy. Thank you so much for saying such wonderful things about me. Now, can I have a copy of that speech for my in-laws? अपनी जिंदगी में मुझे एहसास हुआ ऐसी तीन चीजें हैं जो आप कभी मत करें। फर्स्ट, उस लड़की को किस ना करें जो आपसे दूर झुकी। सेकंड, उस झाड़ पे मत चले जो आपकी ओर झुकाओ। एंड थर्ड, कभी भी आप जैसे खूबसूरत लोगों को उनके ड्रिंक्स और डिनर से दूर ना रखें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, please join me in my memories. Let's party. खाना पैक कर दिया? हाँ डैडी। खा लेना, मम्मी को फोन किया? हाँ।
कितने बजे पिकअप करना है? कर लिया। टिकट कहाँ है? डैडी डोंट वरी, आई एम अ बिग गर्ल नाउ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सब कॉन्टैक्ट भर के रखे जस्ट इन केस। ओके बाय डैडी, लव लव यू टू, बाय। रन रन रन। Tell Suzanne to mail the final presentations through. You're a funny one. Come on. Good morning, ladies and gentlemen. This is your co-driver, Sean Sadler, welcoming you to the 112 Virgin train service from London Euston to Glasgow Central. Thank you. On our journey today, we will be calling at Warrington, Wigan, Preston. Down there, you don't see. Morning, sir. Morning. Morning. Good morning. Morning, dear. Morning, Lionel. Ah, the voice tells me that mere ghar jaane ka waqt ho gaya hai. Good problem? Yeah, I had a problem on the train jo Southampton Coventry line par band pad gayi, and I had to divert the passengers by Northampton. Good morning, Railway Control Security. Can I help you, please? Okay, just a moment. Hello, this is the Railway Security Chief speaking. Hello? There's a bomb on London Glasgow 112. If the speed drops below 60, the bomb explodes. Do not stop the train. Do not stop the train. Excuse me, sir. Yeah. आपको अंदर अर्जेंट बुलाया है। Hi guys. Morning, Sanjay. Hello. Hey, Radhika. जुकाम कैसा है? बिल्कुल ठीक सर। I'm situated. Oh. Morning, General. क्या हुआ? एक बम थ्रेट है। Train या station? London Glasgow. Train 112. Did you say the London Glasgow Express? Radhika. 112 पे बम थ्रेट है, 60 स्पीड कम हुई तो बम फट सकता है। शायद कोई मजाक कर रहा हो, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस। ओके सब ध्यान से सुनो, गाइस गाइस कम ऑन लिसन अप। एक बम थ्रेट है लंदन ग्लासगो एक्सप्रेस नंबर 112 पे। अब से हर काम बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। राधिका 112 का ट्रैक क्लियर रखना। जॉन ट्रेन ड्राइवर को फोन लगाओ। सर यू नीड इनसाइड अर्जेंटली। आई टोल्ड यू देयर इज अ बम ऑन लंदन ग्लासगो। इफ यू थिंक इट्स अ हुक्स तेरी मार्क अप। हेलो हेलो, जरा रिवाइंड करो जल्दी। स्टॉप प्ले। इफ यू थिंक इट्स अ हुक्स तेरी मार्क अप। हेलो, ही इज ऑनलाइन। कौन हो तुम? मैंने अभी अभी तुम्हें गाली बकते हुए सुना है। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तुम कौन हो? मेरा नाम है संजय रैना, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर। मेरा नाम 500 पैसेंजर्स की जान नहीं बचा सकता, लेकिन आई थिंक तुम बचा सकते हो। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मजाक है, तो मैंने ऐसा ही एक बॉम्ब लंदन मैनचेस्टर गुड्स ट्रेन 509 में रखा है, जो इस वक्त 15 माइल पर आर पर चल रही है। थोड़ी देर में ट्रेन चढ़ाई चढ़ने वाली है,
चढ़ते हुए उसकी स्पीड 5 माइल पर आर कम हो जाएगी और बॉम्ब फट जाएगा। अगर तुम ड्राइवर्स की जान बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि वो बॉम्ब फटने से पहले कूद जाए। हेलो, अ बॉम्ब, अ बॉम्ब जंप्ड। He wasn't lying. कुछ स्ट्रेंज जस्ट ब्लू अप, उस स्ट्रेंज पर बाकी ही बम था। और ड्राइवर्स का क्या हुआ? सर, बम फटने से पहले वो लोग कूद गए, पर दे वर माइनर इंजरीज। ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड को पता करो। फास्ट जॉन, मुझे सामने की तरफ से आने वाली हर एक ट्रेन की पोजीशन चाहिए। जी सर। अभी सर, नॉर्थ लाइन पर अभी अभी चेल्सी क्रॉस किया है एंड द स्पीड इज 110 माइल्स पर आवर। गुड, ड्राइवर को कहो कि यही स्पीड बनाए रखे और जब तक मैं ना कहूं किसी भी हालत में रफ्तार कम ना करे। सर, जॉन, सारे स्टेशन को खबर कर दो कि आज 112 कोई भी स्टेशन में नहीं रुकेगी। ओके सर। राधिका, हर लाइन, हर क्रॉसिंग, हर सिग्नल को चेक करो, ट्रैक पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। राइट सर। हेलो, दिस इज ट्रेन ड्राइवर रिचर्ड। सर, ट्रेन ड्राइवर लाइन पर है। रिचर्ड। रिचर्ड। सर, हमें अभी भी खबर मिली कि तुम्हारे ट्रेन पर एक बॉम्ब है। हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर हम चांस नहीं ले सकते। रिचर्ड, अपने आप को संभालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी ट्रेन की स्पीड क्या है? 110 माइल्स पर आवर सर। 20 मिनट में अपने नेक्स्ट स्टेशन पहुंच जाएंगे, वहां हम रोक कर डू द चेक्स देयर। नो 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 रिचर्ड, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इफ यू रिड्यूस योर स्पीड टू लेस देन 60 माइल्स पर आवर द बॉम्ब विल गो ऑफ, यू हियर मी? राधिका, इस स्पीड पे ग्लासगो पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर, लगभग 10 घंटे। ओके रिचर्ड, नाउ कंसंट्रेट। तुम अभी ट्रेन की स्पीड 70 माइल्स पर आवर रखोगे तो ग्लासगो तक तुम्हें कम से कम 12 घंटे मिलेंगे। विश यू बेस्ट लक। संजय, दिस इज संजय रायना, आवर हेड ट्रैफिक कंट्रोलर। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलन फिशर, सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। फिर से बॉम्बर ने फोन किया? नहीं, अभी तक नहीं। वेल, वो जरूर करेगा, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। वेयर इज द कंट्रोल रूम? इस तरफ सर। Sir, excuse me, sir. Can I have a quiet word? Sir, we have an emergency situation and this is a order from HQ. आप दोनों को इंडिया अकेले जाना पड़ेगा। क्यों, सब ठीक तो है? एक इमरजेंसी है, डिपार्टमेंट ने मुझे अर्जेंट काम के लिए वापस बुलाया। I'm sorry, अलका। लगता है मुझे नौकरी एक दिन और करनी पड़ेगी। मामा was right। अब कभी रिटायर नहीं हो सकते। Why aren't we stopping? Aren't we supposed to be stopping here? How can this be? My ticket is valid to this station. Oh, this is ridiculous. Where's the train manager? Excuse me. Could you tell us what's going on? Yeah, why didn't we stop? Please, be calm. घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ गाड़ी क्यों नहीं रुकी? How can you tell me not to worry? Sir, no, shut up! और हमें बताओ क्या हो रहा है? Calm down. Excuse me. Why didn't you tell us why did you stop? This is Chief Inspector Shivan Menon, Narcotics Branch. Please open the door. Is there any problem? Yes, sir. The Metropolitan Police have confirmed a bomb blast that occurred this morning on a northern railway. Manchester जा रही goods train आज सुबह York के करीब explode हुई। मैं इस वक्त Euston Station के platform 10 पर खड़ा हूँ। Similar bomb has been placed on the London-Glasgow train 112 that left this morning. Police suspect कर रही है कि bomb यहीं पर रखा गया है। No comments. Back.
आगे के साइड ट्रैक्स क्लियर है सर। अगले तीन स्टेशन तक क्लियर है, लेकिन इन डाइवर्जेंस की वजह से काफी सारी ट्रेन डिले हो रही है। इससे बड़ा इश्यू और कोई नहीं हो सकता। आई डोंट केयर यू वांट टू कैंसिल एवरी सिंगल ट्रेन इन द होल ऑफ इंग्लैंड। या इफ यू डू व्हाट आई से जस्ट डू व्हाट आई से। अर्जुन खन्ना काउंटर टेररिज्म कमांड। संजय रैना रेलवे कंट्रोल चीफ। सुना तुम्हारी बॉम्बर से बात हुई? जी। यू हैंडल द सिचुएशन वेल मिस्टर रैना। तुम्हारे बात करने के बावजूद उसने ट्रेन नहीं उड़ाई। तुमने पुलिस का काम अच्छे से निभाया। ऐसे एक्सक्यूज मी मिस्टर रैना, ट्रेन को ग्लासगो पहुंचने कितना वक्त लगेगा? करीब 10.5 घंटे। यस मैडम। ये है वो ट्रेन्स जो साउथ ईस्ट लैंड की तरफ गई थी। कौन हो सकता है यार? टेररिस्ट तो हो नहीं सकते। अगर होता तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन नहीं करता। हादसा होने के बाद जिम्मेवारी लेने के लिए फोन। अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो वो चाहता क्या है? ट्रैक 28। तुम्हारी बॉम्बर से बात हुई मिस्टर रैना, डिटेल्स देना तुम्हारा काम है। वो हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी? उन्होंने शायद हिंदुस्तानी। Why do you think so? क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था, उर्दू में नहीं। किस एक्सेंट में बात कर रहा था? गुजराती, बंगाली, पंजाबी? देखिए सर, सर वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम हियर। हमारे ट्रैक पर सामने की डायरेक्शन से ट्रेन 308 आ रही है। हमने बाकी सारी ट्रेन्स तो डाइवर्ट कर दी थी, बस ये एक ट्रेन रह गई। 308 और हमारे बीच कितनी दूरी है? 10 मिनट। चेंज द ट्रैक। वी कांट डू दैट सर। क्यों? क्योंकि उस एरिया में दो ही ट्रैक्स हैं और दूसरे ट्रैक पे ऑलरेडी एक गुड्स ट्रेन बंद पड़ी है। स्टेशन से पहले कोई एक्सचेंज लाइन होनी चाहिए। कैन गेट मी द एरिया फॉर द लार्ज मॉनिटर। ये हमारी ट्रेन है और उसी ट्रैक पे 308 हमारी तरफ आ रही है और ये ट्रैक पे सिर्फ एक एक्सचेंज लाइन है। सर ये लाइन मेंटेनेंस लाइन है। इस लाइन पर आप 50 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर ट्रैक चेंज नहीं कर सकते, ट्रेन पलट जाएगी। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन रेलवे हमेशा सेफ्टी के लिए 15 या 20 माइल कम करके ही बताती है। हमें ये टर्न 60 से ज्यादा स्पीड पे लेना ही पड़ेगा। वी हैव टू टेक दैट चांस। व्हाट सर? वी हैव टू टेक दैट चांस राधिका। हमारी ट्रेन को एक्सचेंज पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर 3 मिनट। और 308 को? 5 मिनट। अगर दोनों ट्रेन को सेफली क्रॉस करना है तो दोनों को अपने अपने एक्सचेंज पॉइंट पर सेम वक्त पर पहुंचना चाहिए। राधिका 308 के ड्राइवर को कहो कि 97 माइल्स पर आवर पे हमारी तरफ आते रहे। Are you sure? Just do it, राधिका। रिचर्ड मुझे ध्यान से सुनो। तुम्हारे ट्रैक पर एक ट्रेन सामने से आ रही है। तुम्हें अपनी स्पीड घटाकर करनी है 65 माइल्स पर आवर। डू इट नाउ रिचर्ड। लेकिन 65 माइल्स पर आवर बहुत करीब है एक्सप्लोशन पॉइंट के। डैम इट रिचर्ड, यू हैव टू टेक दैट रिस्क और इट्स ओवर। डू इट नाउ। केविन, यू बी ऑन योर टोज, यू मेक द चेंज व्हेन आई गिव यू द सिग्नल। यू हियर मी केविन? Three, two, one, now! खुशियां मनाने का टाइम नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। प्लीज प्लीज गेट बैक टू वर्क। थैंक्स थैंक्स। बोलो विकास। सर मैंने सारे इंडियन और पाकिस्तानी हिस्ट्री शीटर्स का डेटाबेस चेक कर लिया है और सब हमारे ऑफिसर्स की निगरानी में है। मुझे नहीं लगता ये इनमें से एक है। अच्छा, मतलब कोई नया कमीना है। अच्छा तुम एक काम करो, वेमली के गुड स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।
तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा, तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी, तू ही मेरी है बंदगी। तो उसे शादी करके उसे तो बैठे बिठाए ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल सकती है और वो मेरी पूरी जायदाद का मालिक बन सकता है, और फिर भी तुम उसे मेरा दामाद बनाना चाहती हो? आप दामाद बनाए या नहीं, लेकिन मैं अपना पति जरूर बनाना चाहती हूँ। शट अप। आखिर हसीयत क्या है उसकी? पापा जरा इज्जत से बात कीजिए, आपसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा है। ही इज एन इंजीनियर। निकिता, अगर तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो तुम्हें ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ, किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। Bed 4. Okay, one moment. पेमेंट ऑपरेशन से पहले ही आपको करनी होगी। सर, पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है, कोई नजर नहीं आया। अच्छा, उस वक्त ये गुड्स ट्रेन कहाँ पार्क थी? यही सर, इस ट्रैक में। This area, sir. मुझे इस कैमरे से पिछले 24 घंटे की फुटेज चाहिए अभी। सर,
ये तुम्हारी बाइक है? हाँ, मेरी है। कितनी बाइक्स है तुम्हारे पास? 5 इन टोटल। और पांचों बाइक्स तुम्हारे पास थी रात भर? नहीं, 3 मेरे पास थी और 2 गैरेज में रिपेयर के लिए। Where's the garage? The Alpha Bike Center over on Richmond Street. Thank you. Railway Control Security, may I help you? I want Sanjay. Yes, it's ready. Thank you. Sanjay, here. फोन के करीब रहो वरना ये ट्रेन जमीन के करीब नहीं रहेगी। ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? 10 million euro, पुराने नोट। चुप क्यों गए? तुम्हारी जेब से नहीं जा रहे। 500 लोगों की जानों के लिए 10 million ज्यादा नहीं है। सुनो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। Exactly. फिर तो बम जरूर फटेगा। मिनिस्ट्री इतनी आसानी से पैसे नहीं निकालेगी। मिनिस्ट्री बोल क्या रही है? उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो क्या बम फटने के बाद डिसीजन लेंगे? एनीवे, कीप मी पोस्टेड। अरे ये स्मोक मीटर का डायफ्राम। जय स्वामीनारायण, वेलकम। क्या हुआ, गाड़ी खराब? पुलिस सर, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो मिसेस खन्ना ने कंप्लेंट की होगी आपकी। लेकिन मिसेस खन्ना जानबूझ के तंग कपड़े रोज मेरी खिड़की से निकलती है तो मुंह से सीटी अपने आप फिसल जाती है। यहाँ कितने लोग काम करते हैं? सबका परमिट है? सबका? 2 का नहीं है। वो आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोनों कहाँ? वो यहाँ इधर साहब आए। जल्दी आ। हेलो बोल साहब को। दूसरा किधर गया वो काला अंडा? सर वो आज नहीं आया। नहीं आया? ये बोली शक्ल दे के काम देता हूँ वहीं फंसता हूँ। कल रात तुम कहाँ थे? मैं मिसेस पटेल के साथ। माय वाइफ सर। कहाँ थे? जी सर, मैं यही काम पर था। अकेले? बोलना। नहीं सर, आदिल भी था। ये आदिल कौन है? वही मैंने आपको कहा ना, वो जो परमिट नहीं, वो लड़का यहाँ काम करता है, दूसरा मैकेनिक। पूरी रात वो तुम्हारे साथ था? हाँ जी। नहीं जी, वो रात को बाइक टेस्ट करने निकला था। कितने बजे? 10-11 बजे। कौन सी बाइक पर? वो चिप शॉप वाले का। फिश एंड चिप्स की बाइक? हाँ जी। जी सर। यादव को तुम जानते हो? उसका आता पता कहाँ रहता है? कोई एड्रेस वगैरह है तुम्हारे पास? सर वो बिना परमिट का था, ऐसे ही काम पे रख लिया, तो अभी कुछ नहीं है हमारे पास। एक दिन ऐसे लड़कों के साथ तुम भी जेल जाओगे। विकास, अल्फा गराज में स्केच आर्टिस्ट को आदिल नाम के एक लड़के का स्केच बनाना। Everybody! Just calm down. Hey, get off! Talking about? I'll blow your head off if you touch anybody. Okay, go back to your seat. Go! Yes, there is a bomb on this train. ना हम रुक सकते हैं और ना ही स्पीड 60 miles per hour से कम कर सकते हैं, वरना बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। हम अभी घबराकर सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, या फिर हम शांत रहें और अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा करें कि वो हमें बचाए। The position of the British government on terrorist acts is very clear. There will be no negotiation whatsoever. Let's make it official. All in favor, raise your hands. Mr. Carner doesn't seem to agree with our opinion. Might I ask you exactly what you have in mind? I think hame paisa taiyar rakhna chahiye. Sir, mera kehna hai paisa sirf dikhai de. Unse sirf baatcheet karne ka sadhan. Apne bill se us bomber ko bahar nikalega, jaise ek jaar. Agar haath se fisal gaye dono, aatankwadi aur paisa? Sir,
आपने मुझ पर 23 साल भरोसा किया और मैं कभी नहीं चुका। इस भरोसे पे आपने फिर से मुझे रिटायरमेंट से वापस बुलाया। एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कीजिए एंड आई प्रॉमिस ना कोई पैसा जाया होगा ना कोई पैसेंजर मरेगा। आई विल गेट हिम। सर वो आदिल का स्केच मैच कर गया, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उसकी फाइल आई। आदिल खान 7 साल पहले इंडिया से टूरिस्ट वीजा पे आया किसी म्यूजिक शो के साथ, उसके बाद ना कभी वापस गया ना कभी पकड़ा गया। ओके okay. इसकी फोटो, इसकी सारी डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन में भेज दो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह पुलिस ऑफिसर्स को तैयार रखो। यस। ट्रेन की कुछ खबर? कंडक्टर ने सारे कंपार्टमेंट्स चेक कर लिए हैं, कहीं कोई बॉम्ब नहीं मिला। इसका मतलब ये बॉम्ब अब किसी पागल के हाथ में नहीं है, ये बॉम्ब अब रफ्तार के हाथों में है। लिसन विकास, रेलवे कंट्रोल सेंटर से अगले ब्रिज की डिटेल्स लो। उस ब्रिज के नीचे मुझे 4-5 हाई स्पीड कैमरास, मुझे हर एक बोगी के पिछले हिस्से की क्लियर पिक्चर्स देखनी है। बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी। डैडी, am I going to die? क्या बोल रहे हो प्रिया? डैडी, यह सब कह रहे हैं कि ट्रेन में बॉम्ब है, सब मर जाएंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, मेरा ध्यान सिर्फ आपके ट्रेन पे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस? Excuse me, Dr. Reno? Yeah. Please report to the front desk, there's a telephone call for you. Okay. Hello? Hello, Reno. Reno, phone mat rakhna. पिया ठीक तो है? रेनो, पिया ट्रेन पर है और हमें अभी अभी खबर मिली कि उस ट्रेन पर एक बॉम्ब है। तो ट्रेन को रोको और पिया को बाहर निकालो। हम ऐसा नहीं कर सकते रेनो। रेनो, जब तक इस ट्रेन की कोई खबर मैं ना दूं, किसी के भी बात पे विश्वास मत करना। और मैं फोन करता ही रहूंगा। स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप, ज़ूम इन, बॉम्ब स्क्वाड रिपोर्ट्स। दैट वे सर। उनका कहना है कि गुड्स ट्रेन पर भी ऐसा ही एक बॉम्ब था। यू सी सर, देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डायनामो जिसका सेंसर ट्रेन के पहिए से जुड़ा हुआ है। अगर ट्रेन की स्पीड 60 से कम हुई तो डायनामो ट्रिगर को एक्टिवेट कर देगा एंड द बॉम्ब विल एक्सप्लोड। It's all mentioned here, sir. Bomb किन किन compartments के नीचे? 4 and 7. Correct me to the engineering department. Okay. जितने भी passengers हैं, उन्हें पहले 3 compartments में भेज दो और बाकी जो compartments हैं, उन्हें उन 3 compartments से अलग कर दो। I think that should work. I don't think that's possible. जो आप कह रहे हो वो नामुमकिन है। Why it's not possible? अगर हम इस ट्रेन का मेन हाइड्रोलिक स्विच ऑफ कर दें, यू डोंट अंडरस्टैंड, ये ट्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। अगर आपने हाइड्रोलिक स्विच बंद कर दी तो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी और वो बम फट जाएगा। यू मीन टू से इस ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं है? देयर इज नो वे यू कैन। अगर कोई तरीका होता तो मैं रोक चुका होता। वो ट्रेन पे मेरी बेटी है। आई डोंट नो दैट ट्रेन। हेलो संजय। संजय, मेरे पैसे तैयार है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम कितनी मासूमों की जान खतरे में डाल रहे हो? अगर तुम पकड़े गए तो तुम मारे जाओगे। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, आखिर में सबसे हसीन धोखा जिंदगी ही देती है। देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ज्यादा बात करके भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मेरे पैसे दे दो। पैसे कहाँ पहुंचाना है? तुम अर्जुन खन्ना, काउंटर टेररिज्म कमांड। मैं तुम्हारे पैसे लेकर आऊँ, कहाँ पहुँचाना है? मिस्टर खन्ना, पैसे एक बैग में डालिए। बैग में कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ऑफिसर आपके साथ। आपको बिल्कुल अकेले आना है। जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे, बॉम्ब डिफ्यूज करने का तरीका किसी को नहीं पता चलेगा। ग्लेन आर्मड कॉलेज, सरी, 20 मिनट में।
समझ पा रहा हूँ। मेरा अंदाजा है ये आपके लिए है। एक आदमी आज सुबह ये दे गया था and said you would be coming to collect it. आपने उसका चेहरा देखा? Sorry, I didn't. उसने हेलमेट पहना था पर वो बहुत जल्दी में भी था। हेलो मिस्टर खन्ना स्पीकिंग। गाड़ी में बैठिए, चर्च के गेट से बाहर निकल के लेफ्ट लीजिए, आगे मेन रोड से दूसरा लेफ्ट, गाड़ी सिंगल लेन पे उतरेगी, आप चलते रहिए। उसी आरामजादे का फोन था। विकास मैं अभी तुझे फोन कर रहा हूँ, इस मोबाइल का नंबर तेरे फोन पर आएगा। अगली बार बॉम्बर जैसे फोन करे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे ट्रेस करके बताओ। आई टेक दिस कॉल। का बोर्ड नजर आया? हाँ। टर्न राइट फ्रॉम देयर। आधे किलोमीटर दूर एनिमल क्रॉसिंग का बोर्ड नजर आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना। हाँ बोलो विकास। Sir, God trace ho gaya. Exact location kahan hai? Alexander Bar number 57 Hogway. Okay, go for him and get him alive. Main usse baaton mein busy rakhta hoon. Come on guys, let's get inside. Let's move. Animal crossing. I got it. Haan mil gaya. हेलो यार, रिचर्ड फार्म का बोर्ड दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। मिस्टर खन्ना आप शायद ध्यान से नहीं देख रहे, लगता है मुझे फोन यहीं काटना पड़ेगा। हाँ नजर आ रहा, नजर आ रहा। आज भूल के भी कोई गलत टर्न मत ले लेना, भारी पड़ेगा। रैपिड्स के बोर्ड के सामने गाड़ी रोक। विकास ये अंग्रेजी फिल्में बहुत देखता है, मानना पड़ेगा। अब बताओ आगे क्या करना है? Get out of the car. अब तक तुम नदी के सामने पहुंच चुके होगे। यस यस। वहां एक पेड़ के नीचे एक येलो वाटरप्रूफ सूटकेस है। उसमें पैसे डालो। सूटकेस को पानी में फेंक दो। I said throw the suitcase in the water and walk away. Ah!
signal to set up 2 kilometer radius around this area. All highway routes to be blocked. No vehicle to be passed without being checked. Person in the rock, please move to the shore or we shall open fire. This is your last warning. Please move to the shore or we shall open fire. This is your very last warning. Yeah.
सोचा तुम और बेवकूफी नहीं करोगे पर मैं गलत निकला। क्या समझते हो अपने आप को? किसने कहा तुम्हें सोचने को? अब हम इस ट्रेन को रोकेंगे कैसे? हे, अगर तुमसे हैंडल नहीं होता तो ये हम पर छोड़ दो। यू आर एन एमेटर। वो एक एक्सीडेंट था। तुम वापस आए, वो एक्सीडेंट था। हमें जिंदा चाहिए था वो। बॉम्बर अभी भी जिंदा है। शी वॉज नॉट द बॉम्बर। शी? ऐसे मत देखो कंफ्यूज्ड। सिर्फ एक ही नहीं, कई और लोग शामिल है इस क्राइम में। तो तुमने आगे क्या सोचा? क्या प्लान है? वो मुझे पता है। तुम अपना काम करो। और पता है एलन, इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए सुराग, और वो है मेरे पास। विकास, उस लड़की की जैसे हॉस्पिटल का बिल मिला है, उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। एंड डू इट फास्ट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
कहाँ हैं आप? मेघा कहाँ है? मेघा डेड। नो, नो, नो। आदिल। नो। आदिल। Moments ago, a high-speed chase on the M25 has resulted in the death of the London Railway bomber. Authorities have said that the bomber, a female in her 20s, was trying to escape on a red dirt bike and had a fatal accident during the chase with the police. Hello. Hello, Sanjay. Sanjay, मुझे सच सच बताओ. यहाँ पर कोई मुझे अलग-अलग कहानी सुना रहा है. मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस ट्रेन के बारे में कोई कुछ भी कहे उस पे विश्वास मत करना। पर न्यूज़ में दिखा रहे कि बॉम्बर मर गया। अब ट्रेन नहीं रुकेगी। मीडिया वाले पागल हो गए। बॉम्बर एक आदमी है, वो अभी भी जिंदा है और मैं खुद उसके साथ बात कर रहा हूँ। तुम मुझे दिलासा देने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे हो ना? तुम एक काम करो, तुमसे बात करो तुम्हें अच्छा लगेगा। हेलो पिया। मामा, बच्चा अब ठीक तो हो ना? हाँ, पर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? डैडी ने दिया। आपने डैडी से बात की? हाँ बेटा। हेलो, बॉम्बर मर चुका है। इट्स ऑल ओवर, हम सब मरे जाएंगे। मैं ऐसा मरने वाला नहीं। I bet हम कूद सकते हैं ट्रेन से। Please sit down. How are you going to defuse the bomb if the bomber is already dead? The bomber is not dead. तुम कैसे जानती हो? My daddy is the chief of railway control center. What's your name? Pia. Pia Rana. Okay Pia, daddy ने क्या बोला? Daddy ने मामा को बताया कि bomber अभी तक मरा नहीं। क्या मैं? मैं आपकी daddy से बात कर सकता हूँ? भाभी का एड्रेस मिल गया। वो किसी किंडरगार्टन स्कूल में टीचर। इससे ज्यादा कोई खबर नहीं मिली। आज मेघा के भाई का ऑपरेशन था। किस चीज का? उसकी दोनों आंखों की रोशनी अचानक जाने लगी है। ऑपरेशन बहुत महंगा है और अगर नहीं करवाया तो अंधा हो सकता है। उन्हें शायद पता चल गया कि हम हिंदुस्तानी हैं। यूनिट 4, आर यू इन पोजीशन? इन पोजीशन सर, शैल आई गो इन? नो, होल्ड योर पोजीशंस। नोबडी अप्रोचेस द टारगेट विदाउट माय ऑर्डर्स। आदिल, रन। We'll be right back.
Drive. ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? किस बात की पार्टी हो रही है? मैंने आपको अपने भाई के बारे में बताया था ना मनीष, उसको यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। ओह, दैट्स नाइस। लेकिन वो यूके आया कैसे? हमारी तरह कबूतरबाजों की बदौलत नहीं आया सर, लीगली आया है वो, स्टूडेंट वीजा मिला है। फिर तो डबल मुबारक हो, मेरी तरह इंजीनियर बनेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है सर, बहुत एहसान है आपके। अगर मेरे खुद के माँ बाप। बस 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 बस, लाओ मिठाई लाओ। This is a routine check. Stay where you are. UK Border Agency. Everybody, stay where they are. Paper, hold. No, please, leave this up. इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले बाहर आ गए, सबके पेपर्स चेक करें, क्या करें? आदिल, तुम मेघा को लेके निकलो। सर, लेकिन आप? मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम निकलो। लेकिन सर, आप क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, कहाँ ना जाओ? Come on, let's go. Yes, officer. Is there a problem? My name is Peter Harvey from the Department of Immigration. आपके workers के papers check किए और कुछ ऐसा है जिनके पास पूरे documents और permit नहीं है। I guess मुझे इसके बारे में पता नहीं। आप यहाँ क्या काम करते हैं सर? I'm the CEO. मालिक कौन है इस company का? My wife. All right. आपके papers please. मैंने apply किया है अपने citizenship और work permit के लिए। बिना सिटीजनशिप और वर्क परमिट के आप यहाँ काम नहीं कर सकते। आई एम अफ्रेड आपको हमारे साथ चलना होगा। बस बस, हो गया हो गया। जस्ट रिलैक्स। आप जानते हैं ये कौन है? वो जिसके पास हारने को कुछ नहीं है। और आप? वो जो सब कुछ हार चुका है। लेट्स गो। थैंक्स डॉक्टर। मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। क्यों? हमारा इरादा एक गुनाह करके अपनी जिंदगी वापस पाने का था। किसी की भी जान को खतरे में डाले बगैर। अब तक मेघा अपनी जान खो चुकी है और तुम यहां जख्मी पड़े हो। तुम्हारी जिंदगी खोकर मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है सर। मेघा मर चुकी है और अगर आपकी वापस आने की उम्मीद ना होती तो मैं खुद को कब का फांसी लगा चुका होता। क्या डर है हमें? अगर हार गए तो हमारे पास खोने के लिए है ही क्या?
और अगर जीत गए तो आगे जिंदगी है। या संजय, दुनिया में हर आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए कोई मरना नहीं चाहता। तुम्हारी गलतियां आज मुसाफिरों को जन्नत तक पहुंचाएंगी। तो डील इज ऑफ। Have you gone mad? Who the hell do you think you are? जब गवर्नमेंट ने तुम्हें पैसे दिए थे बम्बर तक पहुंचाने के लिए, तो क्या जरूरत थी हुशियारी दिखाने की? चुपचाप पैसे देकर बम को डिफ्यूज करना चाहिए था। वो पैसा उस हरामखोर को पकड़ने का एक जरिया है, उसकी डिमांड्स पूरी करने का तरीका नहीं। Now just calm down. No, don't you tell me to calm down. सुबह से मैं इस ट्रेन को बचाने के लिए अपनी जान लगा रहा हूं, ताकि तुम्हें अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त मिले। अब वक्त तो बर्बाद हो गया, लेकिन साथ साथ जो भी बची कुछ ही उम्मीद थी वो भी बर्बाद कर दी तुमने। मिस्टर संजय, आई अंडरस्टैंड। नो यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इस ट्रेन पे तुम्हारा कोई अपना नहीं है। शट अप। उस ट्रेन का हर एक मुसाफिर किसी न किसी का अपना है। मुझे लोगों की जान बचाने के लिए किसी की वजह की जरूरत नहीं है। इट्स माय जॉब, इट्स माय ड्यूटी। वो फोन वापस करें आप। क्यों करेगा वो फोन? कैसे मालूम तुम्हें? He will call, हम चलेंगे, he will call. क्यों करेगा वो फोन? क्योंकि वो अपने पैसे लिए बिना आज यहाँ से नहीं जाएगा। He will not call. It's him. He will call. It's him. Hello. पैसा लेके सेंट जॉर्जेस स्क्वायर पहुंचो, और इस बार कोई बेवकूफी नहीं। लास्ट चांस। कचरे के डब्बे पर ध्यान दो। अल्फा टीम, टॉक टू मी। नो सर, नथिंग येट। स्नाइपर्स, कचरे के डब्बे पर नजर रखो, तो ध्यान रखो, वो मुझे जिंदा चाहिए। Subject's got something in his left hand. Bravo team, do you see anything? Negative, sir. Still looking. Nothing yet. Aayega, aayega. Abhi nazar aayega. Target confirmed. Approaching drop point. Everyone now, stay calm. Be focused. Be focused. That was it, sir.
they found the suspect. ये है उसकी पिक्चर। तुम्हारा माल आ गया? तो क्या सोचा? जल्द जान जाओगे। मुझे किसी भी आदमी स्टेशन पहुंचने से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाना है। ब्रेक कहाँ है? ये ब्रेक कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं ब्रेक को? दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा चार दूंगा। तुम्हें किसी को शूट करना है तो शूट मी। ट्रेन खाली करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये ट्रेन खाली करनी पड़ेगी। ये सच है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच है? वो एक्सप्लोसिव्स मैंने खुद उसे बेचा है और आज मैंने अपनी आंखों से उसे रेलवे स्टेशन पर देखा है। किसको? वो बॉम्बर। तुम जानते हो उसको? हाँ। कौन है वो? उसका नाम है आदिल खान। Where does he stay? हेलो, काम हो गया? यस यस यस। तबीयत कैसी है? अब तो कमाल की है सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। I'll be there in 5 minutes. ओके। पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करो। नहीं सर, पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है। तो मैं ऊपर आता हूं। आप मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए, आप भी मारे जाएंगे। तो साथ मरेंगे। चले जाइए सर। या हम
क्या इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी थी? बॉम्बर को जिंदा पकड़ने की, डिफ्यूज द बॉम्ब एंड सेव द पैसेंजर्स। और क्या कर रहे हो तुम? मार रहे हो एक एक को। क्या समझते हो खुद को, डर्टी हैरी? उसने खुद अपने आप को उड़ा दिया। इट वॉज अ सुसाइड। ओ, तो अब हमें बताएं क्या करना चाहिए। असली बॉम्बर को पकड़ो, वो जिसके पास पैसा है। या, वो सारा पैसा मछली को सिर्फ पकड़ने का जाल था। ओए, इसने पैसा तो गवा दिया, अब मार रहा है सब बॉम्बर्स को, बिगाड़ दिया है पूरे ऑपरेशन को। हो सकता है ये खुद ही मिला हुआ है उन बॉम्बर्स से, और अब अपने हिस्से का पैसा इसको इंडिया जाते ही मिल जाए। क्या बोला? फिर आवाज निकाली तो मुंह तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। नहीं सरकार, छोड़ मुझे। सो प्लीज दिखाता हूं, प्लीज दिखाता हूं ये दंगा अपने आप को। यस, छोड़ मुझे। ये औलाद लेके जाओ, छोड़ मुझे, बताता हूं उसको। छोड़ के जा, प्लीज सर। नहीं भाई, चल तेरे पीछे। ना सुनता है क्या बोल रहा है? प्लीज सर, प्लीज। ऐसे कमीनों की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। हम एक आदमी लगाता है और उसकी वजह से उसकी पूरी कौम, उसके देश का जिल्लत उठानी पड़ती है। आज या तो ये बॉम्बर बचेगा या मैं। संजय, एशवर्ड लेन पे एक रेस्टोरेंट है, दिल्ली दरबार। वहां पे आपके नाम का टेबल बुक है। टेबल पे एक लिफाफा मिलेगा, उसमें बॉम्ब डिफ्यूज करने की इंस्ट्रक्शंस हैं। सोचा तुम्हारे डैडी से पूछूं, वहां से भी गालियां ही मिली। मैं 6 महीने तक जेल में थी। हमने जो लोन लिया था वो मेरे नाम पे था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले लोन नहीं चुका पाई। पहले मुझ पे केस हुआ और फिर जेल। हमारा बच्चा He's playing outside. मुझे पहचाना कैसे? पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बारे में बताती आ रही हूं,
और वो रोज ये तस्वीर देखकर तुम्हारा इंतजार करता रहा। क्या नाम है आपका? आकाश। Go out and play, Akash. आकाश नाम में एक छोटा सा काश है। काश तुम यहाँ होते, काश हम साथ में होते। इस उम्मीद में जीने के लिए आकाश से बेहतर नाम नहीं था। निकिता, मैं तुम्हें लेने आया। दरबार में हमारे लिए रखी थी वो रेस्टोरेंट के साथ जल गई। ये एक अपील है, एक आखिरी बार हमें फोन करके बता दो कि इस बम को हम कैसे डिजाइन करें। दिस इज एन अपील। थैंक यू। दैट्स इट। हमारे पास कितना वक्त बाकी है? सर, 2 घंटे। ओके, 1 सेकंड। रेस्क्यू टीम से पूछो जी कि अगर हम एक दूसरी ट्रेन साथ वाली ट्रैक पे सेम स्पीड पे चलाए तो क्या वो पैसेंजर्स को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। I'm Megha's friend. उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि और मैं आप ऑपरेशन की फीस भरने आए हैं? Yes, फीस भरने आए। आप आकाश भैया हो ना? नहीं, मैं अर्जुन। ये कौन से आकाश की बात कर रहे हो? आकाश राणा, वो मेरी दीदी के मुंह बोले भाई हैं। दीदी ने बोला था वो और आदिल भैया दोनों मुझे ऑपरेशन से पहले मिलने आएंगे। सरप्राइजिंग, आदिल ने कभी मुझे आकाश के बारे में कुछ कहा ही नहीं। वो 4 साल पहले दीदी और आदिल भैया के बॉस थे, फिर अचानक उनको कंपनी बंद करके किसी फॉरेन कंट्री जाना पड़ा। सुना है 1-2 दिन पहले ही वापस आए हैं। हाँ, मेघा कुछ जिक्र तो कर रही थी। मुझे कंपनी का नाम, क्या क्या नाम था उस कंपनी का? ग्लोबल सर्विसेस। Global Services. Okay. दीदी ने कहा था वो ऑपरेशन से पहले आ जाएंगे। हेलो विकास, आकाश राणा के नाम पर एक बैकग्राउंड चेक करो। 4-5 साल पहले उसे इंडिया रिपोर्ट किया था। यहाँ ग्लोबल सर्विसेज नाम की तो कंपनी है जिसमें वो काम करता था। मुझे उसके खानदान, उसके दोस्तों, उसकी हर हरकत की जानकारी चाहिए राइट नाउ। एक्सक्यूज मी, प्लीज चार्ज फॉर
Manish Solanki. I think it's 4D, bed 4. Sorry, what name? Manish Solanki. Oh, everything's already been paid for, sir. By who? Oh, he was just here. He left for the ward, just down that corridor. Vikas, वो हरामजादा यहीं गई है। अभी-अभी उसने हॉस्पिटल का बिल भरा है। मैं हॉस्पिटल के सारे दरवाजे और एक्सिट्स बंद करवा रहा हूँ। तुम बैकअप जल्दी भेजो। उतनी दुरुस्त क्यों नहीं? This is Detective Arjun Khanna, Counterterrorism Command. The train bomber has been spotted in your hospital. Yes, the train bomber has been spotted in your hospital. I want you to lock all your doors, exits, anything you get off here. Nobody moves out of the hospital till the police comes. मेरे साथ चलो मुझे उसकी शक्ल देखनी है. Sorry. I mean, I want you to identify him. I want you to identify him. Please come with me. Okay. Open the boot. Sorry. She's seen the suspect and will be able to identify him. I want every person, every car, every boot to be checked now. Sir. Yes? Bolo Vikas. Sir, Akash Rana ke naam mein Air India ki kuch tickets book. 8 baje ki flight hai. Uske saath koi Nikita Rana aur ek bachcha bhi hai. Tum kahan abhi? Bas headquarters ja raha hoon, sir. Tum abhi isi waqt airport pahuncho and go directly to the check-in counter and see to it koi bhi un tickets par plane board na kar sake. Are you listening? I'm on my way.
अभी तक आकाश राणा नाम का कोई भी आदमी चेकिंग काउंटर पर नहीं आया, ना तो काउंटर क्लोज था और किसी और फ्लाइट पर भी इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। कोई भी इंडियन, कोई भी एशियन दिखाई दे उसे पूरी तरह क्रॉस चेक कर। सर, आकाश की कोई फोटो, कोई आईडी मिली? I'll take a little time, sir. इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फोटो मिलते ही हम भेज देंगे। अगर वो किसी फ्लाइट से नहीं जा रहा है तो इस देश से निकलने का एक ही रास्ता है। अरे इसकी अगली ट्रेन कितने बजे निकलती है? सर आखिरी ट्रेन आई थिंक 1.5 घंटे में निकल जाएगी। He's made a fool out of us. Come on, let's go. जो चिट्ठी तुमने दिल्ली दरबार में हमारे लिए रखी थी वो रेस्टोरेंट के साथ चल गई। ये एक अपील है, एक आखिरी बार हमें फोन करके बता दो कि इस बॉम्ब को हम कैसे डिजाइन करें। दिस इज एन अपील। थैंक यू। सर, मिनिस्ट्री से ऑर्डर है, ट्रेन को ग्लासगो स्टेशन पर ही रोकना पड़ेगा। सर, उनके मुताबिक स्टेशन खाली करवा दिया गया है और एक 90 मेंबर्स की रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंचा दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता, इनका दिमाग खराब हो गया है। इस स्पीड पर ट्रेन स्टेशन में नहीं घुस सकती और वैसे भी 60 से स्पीड कम हुई तो बॉम्ब स्टेशन से पहले ही फट जाएगा। नहीं सर, स्पीड कम नहीं कर रहे, 60 पर ही ट्रेन को ब्रेक रिबन्स और सैंडबैग्स के अगेंस्ट क्रैश करवाना चाहते हैं। सर, फायर ब्रिगेड्स पहुंच चुके हैं, एंटी फायर केमिकल्स भी स्प्रे करना शुरू करवा दिया है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस सब स्टैंड बाय पर है, पैसेंजर्स को भी आखिरी बुगी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। ऐसे तो आधे से ज्यादा लोग मारा जाएंगे। सर, उनका कहना है कि कम से कम कुछ लोग तो बच जाएंगे। रिडिकुलस, ये पागल तो है। सर, विद हिम। यस संजय, ट्रेन में बॉम्ब नहीं है, यू कैन स्टॉप द ट्रेन। नो, तुम झूठ बोल रहे हो। बॉम्ब स्क्वाड ने कंफर्म किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रेन के नीचे बॉम्ब देखे। हाँ है, लेकिन तारे नहीं जोड़ी हुई। रेस्टोरेंट में जो लेटर भेजा था उसमें भी यही लिखा था। सुनो प्लीज, मासूमों की जान के साथ मत खेलो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जस्ट मिनट, द बॉम्ब जस्ट कॉल्ड, इसे तो बॉम्ब से फेंक और कुछ नहीं होगा। झूठा है वो, हम ये चांस नहीं ले सकते। मिनिस्ट्री की ऑर्डर्स फॉलो करेंगे हम एंड ट्रेन स्टॉप्स एट ग्लासगो ओनली। बाहर में गए ऑर्डर्स, मैं इसी वक्त उस ट्रेन को रोक रहा हूँ। तुम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड? ओह यस आई कैन, मैं यहां इंचार्ज हूं, ये सब मेरे लोग हैं और ये वही करेंगे जो मैं उनको कहूंगा। सर, पर आप क्यों उसका विश्वास कर रहे हैं? अगर वो झूठा होता तो फोन नहीं करता। व्हाट? ही वुडंट हैव कॉल्ड इफ इट्स अ लाई। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। जॉन, स्टॉप द ट्रेन। हेलो, मैं स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई होप यू कम। हाँ, मैं आ रही हूं। क्या आप निकिता राणा हैं? जी। जी।
उसके पास जाने की तरह उसके पास जाओ। Authorities have confirmed that the bomb on the Glasgow bound train 112 was a hoax. The high tension ordeal, which lasted 14 hours today, has finally ended. There were no reports of casualties as passengers began disembarking the express train minutes earlier. ट्रेन पर कोई भी बॉम्ब कनेक्टेड नहीं थे, सबकी जानें बच चुकी हैं। 112 के सारे पैसेंजर्स सही सलामत ट्रेन से उतर चुके हैं। Tell me, where is he? Sorry, वो आकाश नहीं था। What do you mean, वो आकाश नहीं था? वो आकाश नहीं, कोई और था। मुझे पता तुमने उसे देखा। I saw you looking at him. उसे झूठ मत बोलो। Don't lie to me. झूठ आप मुझसे बोल रहे हैं। You told me he's a bomber. Yes, yes, he is a bomber. और तुम्हारे पास यही मौका है पैसेंजर्स की जान बचाने का। कोई झूठ बोल रहे हैं आप? सबकी जानें बच चुकी हैं। सब न्यूज़ चैनल यही दिखा रहे हैं कि कोई मजाक कर रहा था। और उस मजाक की सजा मेरे पति को देना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो बिना इजाजत के देश में घुसा था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बीवी बच्चे को मिलना चाहता है। तुम समझ के नहीं रही हो, कानून की नजरों में वो मुजरिम है और तुम मुजरिम की मदद कर रही हो। बड़ी लंबी सजा दी आपके कानून ने उसे, वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था। आपको अंदाजा भी है आपके कानून आपके लॉ ने कितने घर परिवार और जिंदगियां बर्बाद की है। जाने दो उसे, वो यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उसे अरेस्ट करके रहूंगा। इट्स माय ड्यूटी। तुम मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप उसे खुद ढूंढ लीजिए। प्लीज 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 ट्राई टू हेल्प मी। नो, come on.
अब जा सकता हूं। जाना तो है तुम्हें, मगर जेल। अपने आप को सरेंडर कर दो। यू डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइस है मेरे पास, मुझे मजबूर मत करो। क्रिमिनल हो तुम, सजा से नहीं बच सकते। सजा पाने के लिए क्रिमिनल होने की क्या जरूरत है? बेगुनाह होना ही काफी है। क्या गलत किया था मैंने? एक अच्छी जिंदगी का सपना अपनी मेहनत और ईमानदारी से सच करना चाहा, तो वो चीटिंग थी, फ्रॉड था। जो मुसीबत में थे उनकी मदद की तो वो सैबोटाज था, मर्डर था। जिससे प्यार किया उससे शादी की तो वो रेप था। फिर भी सजा मिली मुझे, सब कुछ छीन लिया गया। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, मेरी उम्मीदें, मेरा फ्यूचर, सब कुछ। तुम्हारी भी बीवी होगी, बच्चा होगा। अपने दिल से पूछो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो ये लो बंदूक और मार दो मुझे। मैं जा रहा हूं अपने बच्चे के पास। उसे सीने से लगाकर एक रात जख्म से सोना चाहता हूं मैं। नो! कई ख्वाब थे हमारे, जो ख्वाब ही रह गए। एक इश्क था हमारा, शुक्र है वो इश्क ही रहा। तुम्हारा ये खत पढ़ना यकीन है कि मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। जितने भी वादे किए वो अधूरे छोड़कर बहुत दूर। गलती एक इंसान ने की, जिंदगियां दो बर्बाद हो गई। अपने अधूरे वादों के लिए और अपनी हर एक गलती के लिए माफ करना, और मुझ पर दो एहसान करना। आकाश को बताना कि उसका बाप बुरे हालात में फंसा हुआ एक अच्छा इंसान था, जो सिर्फ अपने प्यार और अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर गया। और दूसरा, मैंने सेंट पैंक्रास स्टेशन के लॉकर नंबर 12 में सारे पैसे रखे हैं। उसमें से आधे पैसे आदिल की माँ और मेघा के भाई को पहुंचा देना। अगले जन्म अगर हम फिर मिले तो वादा करता हूं कि उस कहानी का अंत बहुत खूबसूरत होगा। तब तक के लिए आई लव यू। Yeah.